हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। और यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ अभी तक सोई हुई है और सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं और मेरा काम तो इधर स्टार्ट है। और मैं यहाँ कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। कल के ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था कि कटहल के पकौड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, तो आज मैं यहाँ सब्जी बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए मसाले मैंने ले लिए हैं, नॉर्मल मसाले जो होते हैं वही सब हैं। जीरा, काली मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह मैंने पीस लिए। और यहाँ मैंने तेल में तड़का लगा दिया है हींग का। उसके बाद तेज़पत्ता, लाल मिर्च और जीरा मैंने डाल दिया है और ये थोड़ा सा भुन जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। तो ये देखिए ये थोड़े थोड़े लाल हो चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने कटहल के छिलके और कटहल के कुएं के बीच का पार्ट है उसको काट के रखा था, वो मैंने काट लिया है। उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। तो ये देखिए प्याज मैंने डाल दिया है और अब मैं वो कटहल को डाल दूंगी उसमें। और उधर मैंने कटहल के बीज को और आलू को थोड़ा सा वो बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था, तो वो भी मेरा बॉयल हो चुका है और उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं उसे चेक करने चलती हूँ। तो देखिए ये मैंने कुकर को खोल दिया है और देखिए छोटे छोटे आलू और कटहल के बीज मेरे बॉयल हो गए हैं। और अब मैं इसे छील लूँगी। और यहाँ देखिए कटहल के बीज ये इस तरह से हैं और आलू देखिए छोटे छोटे, बहुत सारे मैंने आलू लिए हुए थे उसमें, अभी मेरे पास छोटे छोटे आलू बचे हैं तो वो मैंने बॉयल कर लिया है दोनों मिला के। तो ये बीच बीच में मैं यहाँ पे कटहल को जो मैंने भुनने डाला था उसको भी चेक करती रहूँगी। और जो मसाले नॉर्मल वाले होते हैं वही मैंने पीसे थे, वो मैं देख लिया मैंने कि भुन गए हैं तो डाल दिया मैंने इसमें। और थोड़े से हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर मैं इसको थोड़ा सा और ढक दूँगी और जब ये भुन जाएंगे तो आलू और कटहल के बीज जो है इसको मैंने छील लिया है, तो अब मैं इन सबको इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए कटहल के बीज इस तरह से हैं। अब मैं सारों को इनमें ऐड कर दी और मैं इनको थोड़ा थोड़ा चलाऊंगी और मिक्स करके मैं इसमें अपने हिसाब से पानी डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने इनको मिक्स करके इसमें पानी डाल दिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और मैं यहाँ पे देखिए आ गई हूँ चावल को चुनने के लिए। ये गांव का चावल है और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, इसलिए आज हम लोग अपने लिए ये खिचड़ी बना रहे हैं इस चावल की। ये देखिए गांव के छोटे छोटे चावल है, ये बनने के बाद थोड़े कड़े हो जाते हैं, गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं पर बाद में कड़े हो जाते हैं, तो उनको पसंद नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने लिए, मैं और मेरी बेटी और मेरे पापा खाएंगे इसको। खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। यहाँ दाल और चावल को मैंने धुल लिया है और यहाँ देखिए मेरे पास गाजर और शिमला मिर्च थी, ख़राब हो रही थी तो मैंने इसको भी काट के इसमें डाल दिया है। और ये मैं खिचड़ी चढ़ा रही हूँ और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। और इधर मेरी सब्जी पक गई है। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतनी आप रख लेना, हमें तो जितनी चाहिए हमने रखी। और अब मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी हूँ और इधर मेरी खिचड़ी भी चढ़ी हुई है चूल्हे पे, तो रोटियाँ सेक जाएगी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को खाना दे दूँगी और उसके बाद मेरी बेटी को भी दे दूँगी। तो ये देखिए ये मेरी खिचड़ी चढ़ी हुई है और अब मैं अपने हस्बैंड को खाना दे रही हूँ। और ये रही आज की हमारी थाली, रोटी और सब्जी। मेरा यही सिंपल सा खाना रोज रहता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा आइटम नहीं खाते हैं। तो चलिए आप भी आके खा लीजिए हमारे साथ। और यहाँ देखिए ये आरोही का खाना है और उसके बाद मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ खाने के लिए। और यहाँ मेरी छोटी बिटिया रानी भी है और इसका राइम्स तो हमेशा चलते ही रहता है, वरना ये मुझे कुछ काम भी नहीं करने देगी। और ये बाबू जो है सारे घर के दीवारों और दरवाज़ों और अलमीरा के ऊपर और फ्रिज के ऊपर सारे ऊपर ड्राइंग बनाते बनाते सारे को भर चुकी है।
और यहाँ देखिए ये राइम्स देखते देखते सो गई हुई है, कितना क्यूट लग रहा है। और इसे नींद भी आ गई हुई थी। खाना खा के मैं आराम करने लगी थी और अब 5 बज गए हैं और बाबू को उसकी दीदी घुमा के लाई है स्टेशन से और उसको टॉफ़ी भी मिल गया हुआ है। तो और मैं सिलाई करने जा रही हूँ। जूता खोल लो। नहीं। क्यों नहीं? ले ले तुम्हारा टॉफी। लो टॉफी लो बाबू, टॉफी लो लो टॉफी लो दो दीदी को। दो दीदी को नहीं देगी? नहीं। अच्छा ठीक। काहे नहीं देगी? यू आई टू पे। दीदी को टॉफी दो ना, खत्म हो गया। दो टॉफी दो। क्या दी तुम हमको? नहीं है खत्म। टॉफी दो दीदी, चाटे इसको। लो दीदी को दे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं पेटीकोट सिलने के लिए। ये भर पूजा के लिए मेरी नई साड़ी है, उसके लिए मैं सिल रही हूँ क्योंकि भर पूजा में नई साड़ियाँ पहन के पूजा किया जाता है। तो मैं मौका निकाल के आ गई हूँ यहाँ पे सिलने के लिए। वैसे तो पेटीकोट सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी लगातार सिलाई करो तब तो काम ख़त्म होगा, पर मुझे मौका ही नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए ये मैं सिलाई करने लगी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक दिन में सिलाई कंप्लीट नहीं होता है। मैं अगले दिन भी थोड़ा सा सिलाई करूँगी क्योंकि आगे चल के देखिए क्या होता है मेरा सिलाई करते करते। और बाबू इधर कोई ना कोई काम ज़रूर से ज़रूर निकाल देती है और अचानक से उसने अपना हाथ काट लिया। खून बह रहा मम्मी, मम्मी प्लीज। बिना अति का नहीं आया। आप ये रुको, एथी नहीं है, हेड प्लस नहीं है, एथी वाला है ना, क्या कहते हैं टेप हुआ थी वाला कपड़ा वाला। रुको बेटा, पकड़ने होगा, आजा। देखो वहाँ बैठ के बाबा। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।